बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ राहिल अहमद और आप देख रहे हैं online.99। स्टूडेंट्स, जिस चैप्टर पर हम चंद दिनों से बात कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फिर ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सारी बातें यहाँ तक हमने डिस्कस की। अब हम यहाँ पर आज जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, हम यहां तक एक बात करते आ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, हम थ्योरेटिकली रेट एक्सप्रेशन से नहीं बता सकते। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता रहा होगा कि आया एक्सपेरिमेंटली हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए पहली चीज आपने याद रखनी है, पॉइंट नंबर वन, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, वी शुड नो रेट ऑफ दैट रिएक्शन। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का रेट पता होना चाहिए। अब रेट का मतलब क्या था, रेट का मतलब यह था कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज आ रही है, वो अगर हमें पता चल जाए तो वहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंट फिजिकल और केमिकल मेथड से बता सकते हैं कि एक रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन चैम्बर में कोई रिएक्शन कंटिन्यू है, अब उसका रेट बताना हो तो हम फिजिकल या केमिकल मेथड को इम्प्लाई करके, यूज करके उसका रेट बता सकते हैं। तो ये दूसरी चीज आपने जहन में रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैन बी फाइंड बाय फिजिकल आर केमिकल मेथड। उसके लिए हम फिजिकल मेथड भी और केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब कौन से, लाइक वॉल्यूमेट्रिक मेथड, हम उसकी वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाले मेथड्स हैं। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ग्रेविमेट्रिक का मतलब होता है जब आप मास कैलकुलेट करें। ठीक है, इसी तरह से रिफ्रेक्टोमीट्रिक मेथड, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को यूज करके आप ये बताएं। ठीक है, सिमिलरली स्पेक्ट्रो फोटो मीट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीट्री को यूज करके हम बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर मेजरमेंट, कि प्रेशर को मेजर करके हम बता सकते हैं, और इसी तरह से पीएच को यूज करके, और कंडक्टोमीट्री, कंडक्शन देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक जो मैंने बात की वो दोबारा से सुन लें कि किसी भी रिएक्शन का रेट बताना हो तो रिएक्शन के कंटिन्यू होते हुए, रिएक्शन के प्रोसीड होते हुए
हम वहां पर उसका रेट फिजिकल या केमिकल मेथड्स को यूज करके बता सकते हैं। अब देखें, कोई भी मेथड यूज करके हम टाइम के साथ रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, और अगर एक रिएक्टेंट को आप ज्यादा करें स्पीड पर कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इससे हमें अब याद रखना है कि रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व, ऐसे रिएक्शन जहां पे क्या हो सिंगल। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और क्या दे रहा है हमें, प्रोडक्ट दे रहा है। ये एक रिएक्शन है जिसमें एक कोई रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को ज्यादा या कम करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है तो इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, और अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम बढ़ जाता है इट्स मीन दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो यहां से हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। सो अगर हम डबल करें स्पीड टू टाइम बढ़ जाए तो इट्स मीन दिस इज सेकंड ऑर्डर, अगर हम इसको डबल करें रेट भी डबल हो जाए तो इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब हम ये चीज कैसे फाइंड करेंगे कि डबल हो रहा है कम हो रहा है, वो हमें ये मेथड इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो सिंगल रिएक्शन के लिए सॉरी सिंगल रिएक्टेंट के लिए आपने क्या करना है, वो एक ही रिएक्टेंट है उसको ज्यादा या कम उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ए बी सी, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने रिएक्टेंट है एक नहीं है मल्टीपल रिएक्टेंट है, तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए जहन में बात रखनी है याद कि अगर मल्टीपल रिएक्टेंट हो तो आपने क्या करना है, किसी एक को ले लेना है, बाकियों को आपने करना है कांस्टेंट, बाकियों को रखना है कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम विद रिस्पेक्ट टू ए रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाने देंगे, ठीक है। फिर आगे हम ए के लिहाज से देखेंगे क्या आ रहा है। सिमिलरली जब हम बी पे आएंगे तो ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे, इसी तरह सी पे आएंगे और बी को कांस्टेंट रखेंगे, एंड दिस मेथड इज नोन एज आइसोलेशन मेथड, दिस मेथड इज नोन एज आइसोलेशन मेथड। जैसे देखें हमने ये रिएक्शन लिया था FeCl3 प्लस 6KI, ठीक है, इससे क्या बन रहा है FeI2 प्लस 6KCl प्लस I2। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, थर्ड, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और हमें कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम हम KI को कांस्टेंट रखते हैं FeCl की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। अगर FeCl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए यानी कि डबल किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू दिस FeCl ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन। और अगर हम इस KI की कंसंट्रेशन को डबल करें रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम बढ़ जाता है, इट्स मीन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, तो 1 + 2 = 3, इट्स मीन दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि आप किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, इस वे में आप फाइंड करेंगे, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन मेथड, के अगर आपके पास मल्टीपल रिएक्टेंट हो तो। आई होप यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर होंगी होंगी। सो फॉर थैंक यू वेरी मच।